गोरा होना कौन नहीं चाहता, हर व्यक्ति गोरा होना चाहता है। और आज की जो युवा पीढ़ी है, चाहे लड़कियां हों चाहे लड़के हों, वह तो गोरा होना ही चाहते हैं। उनकी स्किन इतनी चमकदार होनी चाहिए कि इम्प्रेशन करना चाहते हैं, इम्प्रेस करना चाहते हैं दूसरे लोगों को कि मैं स्मार्ट लगता हूँ, मैं गोरा हूँ। ये और यदि कोई व्यक्ति गोरा नहीं होता या उसकी स्किन डार्क होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वे स्मार्ट नहीं है, लेकिन स्मार्टनेस उसके चरित्र से देखी जाती है, उसकी स्मार्टनेस उसके चेहरे से देखी जाती है, उसकी छाप कैसी। ज़रूरी नहीं है कि गोरा होना ही उसकी स्मार्टनेस उसके गोरेपन से ही दिखे। लेकिन आज हम कुछ ऐसी क्रीमों के बारे में बात करने वाले हैं जो गोरा होने के लिए व्यक्ति बहुत यूज़ करता है और वह चेहरे के लिए तो इतनी नुकसानदायक है। उसमें इतना स्टेराइड होता है, स्टेराइड से भरी क्रीमें होती हैं ये, और व्यक्ति उनको यूज़ करता है और इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है उनको गोरे होने के लिए। लेकिन छोड़ने के बाद में उनकी जब स्थिति होती है, उसकी स्किन की स्थिति होती है, वह उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बन जाता है। वह फिर उनको समझ में नहीं आता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसी क्रीमों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि इन क्रीमों को लगाने से क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, और यदि आपको गोरे होने के लिए क्रीम लगाना है तो आप इन स्टेराइड क्रीमों का यूज़ ना करें। और इसके अलावा भी कई ऐसी क्रीम आती हैं जो आपके फेयरनेस जो बढ़ा सकती हैं, ग्लोइंग को बढ़ा सकती हैं आपकी, तो इन्हीं क्रीमों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि कौन सी क्रीम आपको यूज़ करना है, कौन सी क्रीम आपको यूज़ नहीं करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रकाश शाक्य और आप देख रहे हैं डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केयर। लोग गोरा होने के लिए, ग्लोइंग पाने के लिए आजकल बेटनोवेट सी क्रीम का यूज़ कर रहे हैं, पेंडम क्रीम का यूज़ कर रहे हैं, क्लोव जी क्रीम का यूज़ कर रहे हैं, स्किन लाइट का यूज़ कर रहे हैं, कोसवेट जी एम क्रीम का यूज़ कर रहे हैं। ये क्रीम सारी स्टेराइड है, ये चेहरे के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। इस क्रीम का जब तक आप यूज़ करेंगे तब तक आपकी स्किन ग्लोइंग लगेगी, आपकी स्किन चमकदार लगेगी, और ये जो आपकी जो स्किन है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, आपको मुलायम हो जाएगी स्किन। लेकिन आपको स्किन जब तक आप लगाएंगे जब तक तो ठीक रहेगा, लेकिन छोड़ने के बाद में आपकी जो स्किन है ना उससे ज़्यादा बदतर हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएगी। आपको खुद उस क्रीम को फिर डबल से लगाना पड़ेगा और वह आधी हो जाती, क्योंकि स्टेराइड जो होता है ना एक बार आप उसका यूज़ कर लोगे ना तो उसको डबल से आपको यूज़ करना ही पड़ेगा, आपकी स्किन उसकी आधी हो जाती है, आपको उसको यूज़ करना ही पड़ेगा। तो इस क्रीम को आप ना लगाएं, क्योंकि आपके चेहरे के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। जब तक आप लगाएंगे तब तक ही ये क्रीम बहुत अच्छा काम करेगी, और छोड़ने के बाद में आपके चेहरे की स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, क्योंकि आपके चेहरे पर अगर आप छोड़ देते हैं तो आपके चेहरे पर फिर से आपकी झुर्रियाँ आने लगेंगी, आपके चेहरे पर स्पॉट्स काले धब्बे फिर से होने लगेंगे, आपकी ईचिंग की प्रॉब्लम होने लगेगी, रेडनेस बढ़ जाएगी, और धूप में जाने के बाद में तो आपकी रेडनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ये सारी स्टेराइड क्रीम है। और यदि आप कि ग्लोइंग पाना भी चाहते हैं और तो ज़रूरी नहीं है इन्हीं क्रीमों का यूज़ करें, आप इसका फेस पर तो बिल्कुल भी यूज़ ना करें। इन जो मैंने पांचों क्रीमों का बताया है ये सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती हैं चेहरे के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन क्रीमों का रिज़ल्ट ख़राब है, इनकी जो क्रीम है ना ये सारी क्रीम रिजल्टेड क्रीम है, ब्रांडेड क्रीम है, इनका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है, लेकिन चेहरे के लिए बिल्कुल भी यूज़ ना करें। इनका मिसयूज़ हो रहा है, जो दूसरी जगह इन क्रीमों का यूज़ किया जाना चाहिए वहाँ पर नहीं किया जा रहा है, और आप चेहरे पर इस क्रीम का यूज़ कर रहे हैं और ग्लोइंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, आपके चेहरे के लिए नुकसानदायक है। और यदि आप ग्लोइंग पाना चाहते हैं तो आप अदर क्रीमों का जो ग्लोइंग बढ़ाने के लिए दूसरी क्रीम आती है उनका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप बात करते हैं कि ये आपको ज़रूरत ही क्यों पड़ती है इन क्रीमों की, क्यों आप इन क्रीमों का यूज़ करते हैं, और अगर आपको करना ही है तो आप दूसरी क्रीमों का यूज़ करें। आप चलिए बात कर लेते हैं कि ग्लोइंग होने वाली जो क्रीम होती हैं, जो फेयरनेस क्रीम होती हैं, उनकी ज़रूरत ही क्यों पड़ती है आपके लिए। क्या होता है, जो सूर्य की रोशनी होती है उसके अंदर अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, ये दो टाइप की होती हैं, ए और बी। ये अल्ट्रावायलेट किरणों का काम क्या होता है कि वह आपके फेस में जाती हैं और वहाँ पर मेलानिन प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करती हैं, यानी कि बढ़ा देती हैं। उससे क्या होता है कि आपकी स्किन में मेलानिन ज़्यादा बनने लगता है और आपकी स्किन डार्क होने लगती है,
तो हमें मेलानिन का स्तर कम करने के लिए इन क्रीमों का यूज़ किया जाता है। वो जो स्टेराइड क्रीम होती हैं उनमें वो बहुत ही जल्दी मेलानिन का स्तर कम कर देती हैं, इसलिए हम इन क्रीमों का यूज़ करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर मेलानिन का स्तर कम कर रही है, मेलानिन कम कर रही है, कम बनाने दे रही है ये, तो हम इन क्रीमों का यूज़ करें। अगर हम इन क्रीमों का यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन पतली पड़ जाएगी और ये बहुत ज़्यादा आपको नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए इन क्रीमों का यूज़ ना करके मैं कुछ क्रीमों के कॉम्पोजिशन के बारे में बात कर लेता हूँ। मैं बता देता हूँ कि आप इस तरह के जो कॉम्पोजिशन होते हैं वो क्रीमों का आप यूज़ करके ग्लोइंग को बढ़ा सकती हैं, जो मेलानिन का स्तर है वो कम कर सकती हैं। इनका नाम है कोजिक एसिड, एलोसिन, एजेलेक एसिड, आर्वोटिन, विटामिन B12 जिसे हम नियासिनामाइड भी कहते हैं, और विटामिन सी। इस तरह के जो कॉम्पोजिशन वाले जो क्रीमें होती हैं वो आप क्रीम का यूज़ करें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये क्रीमें आपके मेलानिन के स्तर को बनाए रखें। बनाए रखने के लिए आपको इन क्रीमों का कंटिन्यू यूज़ करना पड़ेगा। यूज़ करने के बाद में आपको जो सनस्क्रीन लोशन है वो आपका मेन है। यदि आप सनस्क्रीन लोशन यूज़ नहीं करेंगे तो आपके चेहरे पे कोई ग्लोइंग नहीं आएगी, कोई चमक नहीं आएगी, क्योंकि सनस्क्रीन लोशन को आप यूज़ अगर इन क्रीमों की अपेक्षा ना करके, इन क्रीमों का यूज़ ना करके आप केवल सनस्क्रीन लोशन का भी यूज़ करेंगे तो आपके चेहरे पर ग्लोइंग आ जाएगी। यदि आप बाहर नहीं भी जाते हैं तब भी आप सनस्क्रीन लोशन का यूज़ करें, दिन में कम से कम 3 से 4 बार सनस्क्रीन लोशन का यूज़ करें, और यदि आप धूप में ज़्यादा रहते हैं तो हर 3-3 घंटे में आप सनस्क्रीन लोशन का यूज़ करें। आपके चेहरे पर कोई भी काले धब्बे नहीं रहेंगे, आपके चेहरे पर किसी तरह की कोई चमक नहीं जाएगी और आपके चेहरे पर ग्लोइंग आ जाएगी। तो इस तरह से आप अपने चेहरों की ग्लोइंग को पा सकते हैं। यूज़ करना ये क्रीम सारी स्टेराइड है, ये चेहरे के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इन क्रीमों का यूज़ करें। इन क्रीमों के से बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं आपके चेहरे पर। यदि आप कंटिन्यू इन क्रीमों का यूज़ करते हैं तो आपके चेहरे पर बाल भी उग सकते हैं, आपके चेहरे की चमक चली जाएगी, आपकी स्किन पतली हो जाएगी, आपके चेहरे पर फुंसियाँ होने लगेंगी, काले धब्बे निकलने लगते हैं। और यदि आप 6 माह से अधिक इन क्रीमों का यूज़ करते हैं तो आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखे जा सकते हैं। तो इन क्रीमों का आप यूज़ ना करें, अदर जगह आप इन क्रीमों का यूज़ करें। इन क्रीमों का बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है, लेकिन आप चेहरे पर लगाकर मिस यूज़ करते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन क्रीमों के बारे में और लोगों को भी जानकारी मिल सके। यदि आपको मुझसे कोई सवाल पूछना है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और यदि आपको मुझसे बात करना है तो कालमी ऐप डाउनलोड करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका दिन मंगलमय हो, आप सदा खुश रहें, सदा स्वस्थ रहें। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि हेल्थ से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।